अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसएन खास ऑफिसर जी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए व्यू लाया हूँ टोयोटा यारिस का। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी की बात करें तो ये 2020 के अंदर, जैसा कि कोरोना जब आया था मार्च के अंदर, इन्होंने कहा था इस गाड़ी को नहीं लॉन्च करे, लेकिन इन्होंने कर दिया और माशाल्लाह ये गाड़ी कामयाब भी हुई थी पाकिस्तान। टोयोटा ने वैसे तो इस गाड़ी को लॉन्च नहीं करना था कोरोना की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, नहीं उन्होंने फिर भी इसको लॉन्च किए। इस गाड़ी के कंपैरिजन की बात करें तो होंडा सिटी, चंगान एलेसविन, प्रोटोन सागा, ये तीन गाड़ियाँ इसके कंपैरिजन के अंदर आती है। जिस यारिस का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ ये फुल ऑप्शन 80X वेरिएंट है। इन्होंने इसमें हाफ ऑप्शन वेरिएंट को भी लॉन्च किए। इसकी बात करें तो 1.3 लीटर के अंदर आती है यारिस, 1.5 में भी आती है 80X। ये 80X फुल ऑप्शन में आ रही है, कीलेस एंट्री वगैरह पूछ साथ ही सौ बटन इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करें तो LED DRL के साथ या तो हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, या पे LED हमें पार्किंग लाइट्स वगैरह सब मिल जाती है। इसके अंदर फॉग लैंप्स भी फ्रंट पे मिलते हैं, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो नहीं मिलते। ऐसे में ये यारिस थोड़े बहुत फीचर देती है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया फुल ऑप्शन है VVT, इसका इंजन की ऑप्शन आ रही है। मैं आपको इसकी इंटीरियर ही इसका काम के बाकी बैक साइड की बात करें तो इन्होंने अलॉय व्हील्स इसमें दे दिए। अलॉय व्हील्स के बाद बैक की बात करें तो 80X इसकी फुल ऑप्शन है। जैसा कि आपको 80X की उधर ब्रांडिंग नज़र आ रही है, अभी स्टीकर लगा अभी आपको सही नज़र नहीं आएगी। अभी इसकी बूट की ऑप्शन वैसे आगे से ये वाली खुलेगी, बूट ये खुल गई, बटन है इसका पीछे से खुल गई। ये बूट अगर देखें तो यहाँ पे हमें सारी ऑप्शन मिलती है, टूल वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं, इस पर टायर भी मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर यही बस बूट स्पेस भी इन्होंने अच्छी दी हुई। बूट स्पेस के बाद अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा दूँ तो इंटीरियर की स्पेस वगैरह आप जैसा कि चेक करें, स्पेस इसमें अच्छी दी हुई इन्होंने, होंडा सिटी वगैरह से थोड़ी बेहतर है इसके अंदर। यहाँ पे हमें पावर विंडोज़ और साथ साथ स्पीकर इधर मिल जाता है, चार स्पीकर सिर्फ मिलते हैं इसके अंदर। वहाँ पे हमें दो लाइटर की ऑप्शन मिलती है, लाइटर वगैरह से करना चाहिए चार्ज मोबाइल को। ये बाकी सीट्स वगैरह इसके अंदर नॉर्मल दी हुई, जो नॉर्मल कपड़े जैसी सीट्स आती वो दी हुई। बाकी आप स्पेस ऐसे इसकी चेक कर लें। अब इसके इंटीरियर की तरफ आई, यहाँ पे कीलेस एंट्री मिल जाती है, कीलेस एंट्री वाली गाड़ी है। और यहाँ पे हमें मिल जाती है इसकी डिक्की खोलने की ऑप्शन और फ्यूल गेज खोलने की ऑप्शन मिलती है फ्यूल को। और यहाँ पे बात करें इसके अंदर रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के साथ इसमें हमें सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन मिलती है, और साथ ऑटो विंडोज़ मिल जाती है, एक ऑटो विंडो है, बाकी पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाती है। अब इसके इंटीरियर पर आए तो इंटीरियर तो इस गाड़ी का इन्होंने बनाया हुआ अच्छा। यहाँ पर हमें जैसा कि मिल जाते मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह, कॉल के सेटअप वगैरह, यहाँ पे ट्रिप की ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे ABS की ऑप्शन मिल रही है, साथ ही साथ इको स्पोर्ट नॉर्मल मोड्स वगैरह की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे पार्किंग पुश साथ ही सौ बटन वगैरह की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे बात करें 220 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर है जो कि नॉर्मल दिया हुआ। ये हमें टेम्परेचर की बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर बहुत अच्छा इन्होंने दिया। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसा कि गाड़ी अभी होगी स्टार्ट। इस गाड़ी में मुझे बैटरी का इशू आ रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा रही है। फीचर्स की बात करें तो इसमें रिवर्स पे पार्किंग सेंसर्स तो वैसे नहीं मिलते, क्योंकि ये यारिस में इन्होंने नहीं दिया, ना तो क्रूज़ कंट्रोल इसमें दिए। जैसा कि अब इसकी बात करें ये हमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, भी इसको ऑन कर लेते हैं। और बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें फ़ीचर तो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और अब इसकी बात करें तो फीचर की बात करें तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, ये ट्रिप की ऑप्शन ऐसे ही इसमें दी हुई है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह तो इसमें कोई नहीं मिलता हमें। बाकी यहाँ पे हमें सेटिंग्स मिल जाती, थोड़ा बहुत डिजिटल इन्होंने दे दिया स्पीडोमीटर। बाकी अगर ब्राइटनेस वगैरह बनाना चाहे इसमें बढ़ा सकते हैं, और ये वाले फ़ीचर्स इसमें नॉर्मल से मिलते हैं। LED की बात करें तो ये LED भी इसमें नॉर्मल ही है, LED इसमें नॉर्मल ही मिलती, ज़्यादा इतनी ख़ास फ़ीचर वगैरह वाली में नहीं मिलती। बाकी ये बात करें तो ये रेडियो वगैरह की ऑप्शन USB पर यही मिलती है, इसके अंदर नॉर्मल ही है LED, और इतनी खास इतना दी नहीं। रिवर्स कैमरा इसके अंदर मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा भी इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ही क्लियर, ज़्यादा तो नहीं क्लियर है दिया हुआ है इन्होंने। तो ये था टोयोटा यारिस 2020 मॉडल का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।